लीडर है, मैं भी मानता हूं उनको, मैं भी मानता हूं कि बहुत बड़े लीडर है, मगर असद साहब क्या करे, आपके अपने भाई को, आपके अपने बेटे को यहाँ पे आप लोग दुआओं के साथ रोजे रह के चिताए, आके कुत्ता बोल के गए मेरे मुख में, क्या आप लोग बर्दाश्त करते हैं ये चीज? आपके एक मुसलमान भाई को कुत्ता बोल रहे वहां पे राजा सिंह निजामबाद में, आपको बोल रहा मेरा बड़ा साला आ गया क्या असद अवैसी बोल के राजा सिंह पूछ रहा, आप राजा सिंह को जवाब नहीं दे रहे, लेकिन शकील तुम्हारा छोटा भाई है उसको गाली गलौज कर दे रहे, बेतुके बातें कर रहे, क्या यही अकल है आपकी? क्या आपकी पर्सनैलिटी को यह जेब देता? मतलब जहां मुसलमान लीडर है आपको खत्म कर देना है आके, आप राजा सिंह को कुछ नहीं बोलते, बीजेपी का एमपी अरविंद है आपकी दाढ़ी निकाल के खींच दे तुम बोला, दाढ़ी निकाल के केसीआर को लगा तुम बोला, क्या आप उसका जवाब दिए? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं क्या जवाब दिए उनके बारे में बात करें? फिर आप ना राजा सिंह को जवाब देते, आप ना अरविंद को जवाब देते, ना आप मोदी को जवाब देते, आपका काम क्या है? सिर्फ जहां मुसलमान है उनको हराना है, महाराष्ट्र में मुसलमान ठहरा हुआ हरा दो, कर्नाटक में मुसलमान ठहरा हुआ हरा, बिहार को जाके हराओ, उत्तर प्रदेश को जाके हराओ, अभी वेस्ट बंगाल को जा रहे कहते ममता बनर्जी मुस्लिम दोस्त ऐसी लीडर मुसलमानों के लिए जान तक दे दे रही, अब उनको जाके हराने के लिए जा रहे साहब, आप सोचिए ये कारनामे उनके, और मेरे को बोलते मेरी मिनिस्ट्री की फिक्र उनको ज्यादा है, भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बार बार मिनिस्ट्री 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 कर रहे, कहीं को तुम उंगली करके रुका दिए बोल के, तुम उंगली करके रुका दिए बोल के, दूसरा नुमाइंदा नहीं होना, जाके उंगली करके उंगलियां करने की बहुत आदत है, कोई दूसरा रहनुमा नहीं है, पूरे मुसलमानों का तुम लोग ही ठेका रखे लेके रखे रहे रखे हुए, मेरे को बड़े तकलीफ हो रही मेरे को कि ऐसे एक हद के लीडर इस तरीके से बदतमीजी से पूरे गोदन की आवाम की बेइज्जती करके इस तरीके से बात करके गए। आज मैं आपका मतलब चुनाव नुमाइंदा हूँ, आप लोग वोट डाल के दुआएं करके जिताए, क्या आपके एमएलए की कोई ऐसी बेइज्जती करा आप लोग बर्दाश्त कर सकते? अगर मेयर को बोले तो आपको बोले, तमाम मुसलमानों को बोले, अरे तुमको शौक है जवाब देने का, राजा सिंह को जवाब दो, राजा सिंह तुमको बोला कोई बात तो हमारा सीना छन्नी हो जाता, हमारे को तकलीफ होती, और तुम उनको जवाब दे रहे का यहाँ पे हमारी बेइज्जती कर रहे साहब, ऐसी तकलीफ ये अच्छी चीज है कि आप लोग बताइए, चंद वोटों के लिए आप लोग पूछते पतंग वाले ऐसी सीटा दे दे तो ले लो भाई, मेरा दिल बहुत बड़ा है, आचनपल्ली में सबको मालूम है, बोधन में सबको मालूम है, तुम लोग पूछते ऐसी दे देता था सीटा, तुम्हारे को कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। आज क्या कर रहे, एक नंबर वार्ड में अक्सर छुपा लिया औरतों को, दो नंबर वार्ड में एजाज छुपा लिया, छुपा लेके औरतों को मीटिंग में आने नहीं दे रहे, ऐसे काम कर रहे, ऐसे शर्म की बात है, लाहौल वाला कुवता बोल रहा हूं मैं, इतनी तकलीफ की बात है, अरे ये क्यों ऐसे हरकतें कर रहे आप लोग, क्यों ऐसे काम कर रहे, ये गलत है, मत कीजिए ऐसा, लोगों को अपना काउंसलर चुनने का हक है, उनको हक दीजिए, कोई जबरदस्ती मत करिए, कोई जबरदस्ती बेकार है, और मेरे को बोलते ब्लैकमेल टैक्टिक्स कर रहा हूँ, मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ, अंधेरे में जाके तुम मोदी अमित शाह से मिलके आते, पूरे डीलां करते, हजार हजार करोड़ के पैकेज बात कर लेते, उधर आंध्र में जगन से बात करते, इधर केसीआर से बात करते, उधर महाराष्ट्र में एक और से बात करते, उधर बिहार में बात करते, पूरा लूटम लाठी मचाते, आता हम सीधा पूछने वाले है तुम ब्लैकमेल कर रहे क्या कर रहे, पूरा हिंदुस्तान देख रहा। अब बात करें कि सीएए बोलते, एनआरसी बोलते, एनपीआर बोलते, वो नया सीखे, अब बिज्जत चले गई, अब ये बोल के वोटा बटोर लेंगे चले जाएंगे दाल लेके बोल के शुरू करे। अरे मैं उनसे पूछ रहा हूँ आर्टिकल 370 हुआ क्या, एक बार तुम कश्मीर जाके देखे कि कश्मीर के मुसलमानों की क्या हालत हुई, एक बार कश्मीर गए क्या, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। इसके अलावा उसके बाद में आर्टिकल 370 चलेगा, ट्रिपल तलाक हुआ, ट्रिपल तलाक में क्या मुहिम थी आपकी, क्या मुहिम थी बताइए, आज सीएए एनआरसी अपना जो एनपीआर हुआ इसमें लोग रोड पे निकल गए, हैदराबाद में 15 लाख लोग आपकी खयादत में नहीं गए, लोग अपने आप से गए जाके रोडों पे डेमोन्स्ट्रेशन करें, जो कि ये चीज जो है गलत है बोल के, तो ऐसे कई चीजें, तो इन लोग कहां आवाज उठाए थे, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं। आज मेरे को बोलते ये कर रहे वो कर रहे,
ऐसे बात वैसे, अरे चंद वोटों के लिए आपकी इतनी बड़ी हस्ती को क्या ये बात, ये आपको जेब करता क्या ऐसी बातें करना? आप इतने बड़े लीडर है, आप हिंदुस्तान के लीडर है, मैं तो बिल्कुल छोटा सा बच्चा हूँ। मैं आप आचनपल्ली वालों को, क्योंकि मेरा घर का वार्ड है ये, मेरे तमाम लोग मेरे घर के लोग हैं, मैं आपको एक बार बताना चाह रहा हूँ, अगर कल मेरा कत्ल हो गया तो इसके जिम्मेदार असदुद्दीन अवैसी है बोल के आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ। समझे आप, इन लोग अपनी ताकत का मुजाहरा करके, अपने गुंडों को इस्तेमाल करके, देखो भाई वार करना है तो शकील ठहरा हुआ है, सीने पे वार करो, गोली खाने तैयार हो, तलवार से वार करो, लेने के लिए तैयार हो, लेकिन इस तरीके की अगर छूटे तीनों वार्ड 20, 21 और 34, ये तीनों वार्डों से मेहरबानी करके कार के निशान को वोट दे के, अरे ये रैली खराब करने सब तमाशे करते भाई, उन्होंने वहां बैठो धोखा दे के चले गए दूसरी पार्टी। क्या है बोलिए आप, ये ईमानदारी है, ये ईमानदारी है क्या? आप लोग बोलिए। आप तमाम से मेरी अदबन गुजारिश है, ये बहरूपियों के बातों में मत आइए, आपका कुछ काम होने वाला नहीं है। पतंग को काम कराना है या हाथ को काम कराना है तो कार में जाने का है, कार करने नहीं आए तो कुछ भी नहीं होता, मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आप कार में आने के लिए पतंग पे बैठ के कहीं को आते हैं? अम्मा कार खुद आपके घर का ला के खड़ा करो, हाँ मई कार खुद आपके हाथ में है, सीधा आके कार में बैठो, पतंग के ऊपर बैठ के जाते, कार को जरूरत क्या है? अपने को जरूरत है क्या वो चीज की? तो मेरी आपसे गुजारिश है, दरख्वास्त है, तमाम नौजवान बच्चों से मेरी दरख्वास्त है, मैं कोई सियासी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ नहीं हूँ, वो भी एक जमात है, मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ, लेकिन जिस तरीके की उनकी एक पर्सनैलिटी को एक बदतमीज तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने हमको बदतमीजी से यहाँ पे इतने बातें बोले, वो चीज का अफसोस और दुख मैं आपके सामने वाजे कर रहा हूँ, आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो मेहरबानी करके भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है, जो आप मेरे को 5 साल यहाँ पे फिर MLA बनाए, पूरी तरीके से यहाँ पे इख्तदार दिए, उसको मुकम्मल तरीके से काम करने के लिए, आपकी गुर्बत गरीबी दूर करने के लिए, आप लोगों की खिदमत करने के लिए मेरे को यहाँ से मेरे अपने नुमाइंदे जरूरी है। और एक बात बोले भाई, अपने भाई को ठहरा रहे, MLA भी होना इनको, मिनिस्ट्री भी इनको होना, नांदेड़ से लाए लोगों को बोलने के वास्ते, नांदेड़ में पूरा खसारा कर दिए, 20 कारपेट रहा थे अब 0 हो गए, वहां पे पूरा खसारा हो गया, सब समझ में आ गया, सब जगह सबको नांदेड़ से लाए लोगों को बोलने। कल अब उन्होंने भी बोल रहे थे इनको MLA भी होना, इनको मिनिस्ट्री भी होना, अब काउंसलर भी इनको होना कहते। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ भाई, भाई मेरे भाई को मैं काउंसलर बना रहा हूँ, आपके भाई MLA भी है ना भाई, पार्टी आपकी छे ना भाई, आपके वालिद मोहतरम पार्टी के चीफ थे, आज आप पार्टी के चीफ है, आपके बाद आपके बच्चे रहते, मैं आपसे बोल रहा हूँ आप पार्टी के चीफ छोड़ दे के MIM में वो एक मामूली आदमी को जो MIM के कारकुन है उनको आप पार्टी का सदर बनाइए, मैं सियासत छोड़ देने के लिए तैयार हूँ, मैं इस्तीफा दे देता हूँ, 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा, सियासत भी छोड़ दूंगा। जब तुम्हारे खानदान में, आपके खानदान में, औरों के खानदान में सब बन सकते, तो मेरे खानदान में क्यों नहीं बन सकते भाई? मेरे भाई का वार्ड नहीं है, हमारा वार्ड नहीं है, हम गुनाह है यहाँ से ठहरना, आपकी खिदमत करने के लिए बोलना ठहरना गुनाह है, हाँ कौन से की बाबा कहते। और एक बात बोले, मुशीर बाबा तुम मोदी भी आया तो जीत जाएंगे, मतलब मोदी को उन्होंने पहले बोल दिया शायद, मुशीर अपना आदमी है भाई, तुम जाके हार जाओ, बातचीत चलते रहती ना भाई, मोदी साहब से बातचीत कंटिन्यू में रहती, मोदी साहब को बोल दिए, अरे बाबा मुशीर बाबा ठहरे तो मोदी साहब आते, मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ आप भी आके ठहरिए। और एक बात इन्होंने क्या बोले, 2023 में हम बता देंगे यहाँ से कैंडिडेट ठहरेंगे और बता देंगे हम क्या करते, क्या बताते भाई, पूरे हिंदुस्तान में बता रहे, जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट ठहरा तुम्हारा कैंडिडेट ठहरा रहे, हरा रहे, बीजेपी को जिता रहे, हर जगह बता दिए, कहीं बचा हुआ नहीं है, हर जगह देख लो मुसलमान कैंडिडेट जहाँ ठहरा वहां पे तुम कैंडिडेट डाल रहे, बीजेपी को जिता रहे। अब यहाँ पे भी कैंडिडेट ठहरा करता हूँ, इसको तो हरा देता हूँ, सुदर्शन रेड्डी ने तो प्रकाश रेड्डी को जिता तो बोल के देख लो, समझे। और एक बात क्या बोले, मैं देख लेता हूँ
मैं ना भूल सकता ना भूलने दूंगा। मैं इतने बड़े यहाँ पे लोग है, माशाल्लाह चेहरे वाले लोग है, आप तमाम लोग नौजवान बच्चे, क्या इस्लाम में बदले का जज्बा रखना अच्छी बात है, गलत बात है? फिर आप कैसे मुसलमान है भाई? आप किस बदले के जज्बे से बात कर रहे मेरे साथ? आप किस बदले का जज्बा लेना चाह रहे हैं आप मेरे से? कैसा जज्बा है आपका ये बदले का, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने क्या बोले, मैं देख लेता हूँ, अल्लाह के सिवाय कोई देखने वाला है क्या? आप लोग बोले कोई है अल्लाह से बड़ा है कोई? तो आप अल्लाह की बराबरी कर रहे, आप बोल रहे मैं अल्लाह से बड़ा हूँ, मैं देख लेता हूँ तुम्हारे को 2023 तक। अरे साहब एक मिनट का भरोसा नहीं है, आप नहीं है कि मैं नहीं है, नहीं मालूम। आलमुल गैब ऊपर बैठा हुआ है, इंसाफ करने वाला ऊपर है, ऊपर वाले से बड़ा मैं हूँ, इनको देख ले तू बोलने का क्या बात है साहब? अरे कौन देखने वाले है साहब? मारने वाला वाले से बचाने वाला मेरा अल्लाह वहां पे बैठा हुआ है। मैं पक्का ईमान वाला इंसान हूँ, अल्लाह पे यकीन रखने वाला इंसान हूँ, अगर गलती करा तो झुक के माफी चाहता हूँ, ये गलत है बोल के बोलता हूँ। यहाँ पे एक बात क्या होगी, आप लोगों को भी जानना जरूरी है, बोतन वालों को, यहाँ की जो MIM की टीम है, ब्लैकमेलिंग टीम, हर इलेक्शन आया तो इतने पैसे दो बोल के ब्लैकमेल करते, उन लोगों का काम ही है ब्लैकमेलिंग करना, काम है उनका ब्लैकमेलिंग करना, लाखों करोड़ों लेना खा जाना, लाखों करोड़ों लेना खा जाना, यही काम इन लोगों का है। इन लोग क्या करे, बेचारे असद साहब को गलत इंफॉर्मेशन दिए, गलत बातें करे, मेरे बारे में भड़का हुआ ना करे, भड़का दिए ऐसा वैसा ये वो, उन कच्चे कानों के इतने सुनते भर 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 फायरिंग शुरू कर दिए। अरे कुछ भी नहीं मालूम बेचारों, अरे सच्चाई क्या है पूछो भाई, क्या है पूछो। अरे आप लोगों को लड़ना है तो मैं तैयार था आप लोगों के लिए, आप आके मेरे को बात करें, लड़ना है बोल के। ये तमाम चीजें मैं मेहरबानी करके आपको बोल रहा हूँ, कोई पार्टी, अब यहाँ से 2 काउंसलर जीत के 1 घंटे की स्पीच चली, CAA NRC, अब 2 काउंसलर जाके पार्लियामेंट में पलटा देंगे, पार्लियामेंट का फोटो भी नहीं खींच सकते जाके, CAA NRC हम ला लेंगे, हमारे काउंसलरों को जिता दो कर। क्या है भाई, CAA NRC हटा देते हमारे काउंसलरों को जिता है। अरे कौम के नाम पे सियासत, हमेशा सियासत, CAA NRC से जोड़ने का इलेक्शन है ये, या क्या म्युनिसिपल इलेक्शन जोड़ने का है? आप लोग बताइए, कोई काउंसलर जाके पार्लियामेंट में बिल को बदल सकता? CAA NRC से यहाँ से 2 काउंसलर जाएंगे, वो भी प्लेन में जाते, पैसे भी यहाँ से लेके जाते, लेके जाके वहां पे फोटो खींच के लाल किले करें, पार्लियामेंट करें, इधर आ जाते वापस। मैं बुजुर्गों दोस्तों से तमाम लोगों से, ये ब्लैकमेल पॉलिटिक्स, ये कौम के नाम पे वोट लेना, कौम को गुमराह करना, हमेशा जो है नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर के नाम पे नौजवानों को गुमराह करना। अभी आप लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपकी चंदनपल्ली में कोई गरीब बच्ची की शादी कराई क्या? क्या ये जमात जब्बार भाई के जो जैसे लोग और कोई दूसरे लोग जो बीमार है परेशान है, क्या उनको दवाखाने में इलाज कराई क्या? क्या उनके अच्छे बारे में थी क्या? क्या ये जमात कोई आचनपल्ली के नौजवानों को किसी एक आदमी को नौकरी दी क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, मेहरबानी करके आप सोचिए, ये इनका गलत मंसूबा है, ये आपका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कौम के रखवाले यही है? कौम की रहनुमाई इस तरीके से होती है क्या? आप कौम को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, मेहरबानी करके, KCR एक अखिलियती दोस्त है, जिस दिन KCR साहब का गलत खत्म पड़ेगा, मैं पहला इंसान रहूंगा कि कौम के लिए पहले मैं अपनी कुर्बानी दूंगा। मैं पहले भी बता चुका है, CAA के रैली में बताया, NPR की रैली में बताया, यहाँ पे वार्ड नंबर 20 से हमारे मुबीन भाई मंजूर भाई के बेटे, बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान, हर किसी की दर्द तकलीफ समझने वाला बच्चा, ऐसे बच्चे को यहाँ से जिताइए। और हमारे हामिद भाई जो बेहतरीन बच्चा, बहुत अल्लाह वाली बच्चा, शानदार बच्चा है, क्या आप ऐसे इंसान को जिताएंगे या सिरेंज लगा के खून खींचने वाले को जिता? खून खींच ले रहे, सिरेंज लगा के खून खींच ले रहे, सूद के नाम पे, सूद के नाम पे खून खींच ले रहे, ऐसे लोगों को जिताएंगे क्या? बोलिए, तब्दीली की जरूरत है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोगों के हर एक के पेट में मुंडी डाल के बोल रहा हूँ, ये चीज गलत है, आप लोग तब्दीली लाइए, तब्दीली लाइए मेहरबानी करके, इनके झूठे बातों में, इनकी झूठी चीजों में मेहरबानी करके मत रहिए।
मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, मेहरबानी करके आप अपना वोट कार के निशान को अपना कीमती वोट दीजिए। यहाँ से मेरे बड़े भाई 34 नंबर वार्ड से सोहेल भाई ठहरे, बेहतरीन आदमी, हमेशा आपकी खिदमत में रहेंगे, हर गरीब गुरबा की मदद में आपके साथ खड़े हुए हैं और ये इन तीनों के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ। आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आचनपल्ली में और यहाँ पे गुरबत दूर करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, इंशाल्लाह जो काम करेंगे अच्छा करेंगे, इस्लाम के एतबार से करेंगे, सही काम करेंगे, आप लोगों की खिदमत करेंगे। आप तमाम से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, आज मैं मेरी अहलिया या आज एक काउंसलर साहब आपके आचनपल्ली में, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उन्होंने बोले कहते शकील की बीवी आई कैनवसिंग करने तो उनको मारो बोले कहते, आप देखिए शकील की बीवी आई तो उनको मारो बोले कहते, ऐसे बदतमीज लोग, ऐसे हरामी लोग, अरे क्या बोलो मैं, मारना है तो आओ, हैरान हुआ तुम्हारे पास किसके पास तुम आ जाओ, कहा बोले तुम्हारी जगह पे मैं आने के लिए तैयार हूँ, मेरी जगह नहीं, खाली तुम बोलो यहाँ आना है, अगर नहीं आ तो जब बताता मैं तुम्हारा, ये क्या बात है। आप मेरी अहलिया को आप बोलते कि कैनवसिंग करने आए तो मानो, उनको बोलते जो औरत आप लोगों की खिदमत में किसी की शादी में अच्छे बुरे में हर घर को फिरते हुए रमजान के मौके पे साड़ियां बांटना है तो रोजा रह के अपने पैरा तकलीफ दर्द कर लेते हुए आठ आठ दिन बैठ के ये अच्छी साड़ी दिखती है औरतों पे, ये लेंगे इनके वास्ते, ये लेंगे ये अच्छा दिखता, ये जानी मास लेंगे, ये कुर्ता पैजामा लेंगे, आज आप ऐसी औरत को बोल रहे मारो बोल। हम लोग हरम को गए मक्के शरीफ में, अल्लाह खुदा की कसम बोल रहा हूँ आपको मैं, मक्के के सामने बैठ के जब भी हम उम्रे को गए सबसे पहले हमारी दुआ अल्लाह ताला बोधन की आवाम को तमाम खुशियां दे, इनकी तमाम मुसीबतों को दूर करे, बोधन की आवाम खुशो खुर्रम रहे, भाईचारा रहे, खुशहाली रहे, लोग सारे खुश रहे, ये हमारी पहले दुआ, बाद में फिर हमारी दूसरी दुआ थी। तो ऐसे लोग हम लोग है, आपकी खिदमत करने के लिए हम यहाँ पे आए, हमको जीने के लिए मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया खूब है, मैं कहीं भी अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकता हूँ, 24 घंटे प्लेनों में फिर सकता हूँ अल्लाह के फजल से, लेकिन मेरा एम वो नहीं है, मेरा एम ये है मैं यहाँ पैदा हुआ, यहाँ बड़ा हुआ, यहाँ की जिंदगी गुजर बसर आप लोगों के जैसा एक मिडिल क्लास फैमिली मैं पूरी जिंदगी देखा, आप लोगों की खिदमत करने के जज्बे से मैं बोधन में आया, उसके बाद आप लोगों की खिदमत के जज्बे से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपको इतनी नफरत हो गई हमसे, हम क्या गुनाह करें, आप बोल के सजा दीजिए हमको, आप बोल रहे कि मेरी अहलिया को मारो बोल रहे, ये आर्डर आपके मरकज का है या आपका है, आपके मरकज में बोल रहे कि मेरी अहलिया को मारो, अरे आओ जी किसके पास मैं आओ, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे को कहाँ आना है, आओ मेरे को कहाँ आना है बोलो मैं आता हूँ, और मेहरबानी करके ये गीदड़ बपकियों को छोड़ दो, मेहरबानी करके ये गलत कामों को छोड़ दो, मेरे केसीआर साहब को बोलते, केसीआर साहब से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, वो मेरे लीडर है केसीआर, केसीआर से मैं लड़ता हूँ, आप लोग क्या बोले भाई, अल्लाह करे आपको मिनिस्ट्री आ जाना, दुआ कर रहे हम लोग आपकी ख्वाहिश के लिए, पूरे रियासत के मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए ये मुतालिबा किया गया, जो भी मैं कभी नहीं बोला, मैं कभी नहीं बोला, हालांकि मेरे लीडर पे मेरा हक है, मैं बोल सकता हूँ, मेरी पार्टी के बारे में बात करने वाले आप कौन है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ आप कौन है, आप क्यों मेरी पार्टी के बारे में बात करते, डीआरएस से ताल्लुक क्या है आपका, आप क्या बात कर सकते, आप मेरे लीडर को टर्म्स डिक्टेट करना चाहते, ये गलत चीज है, मेरी पार्टी में कुछ भी मेरा मुतालिबा होगा, कुछ भी मेरा झगड़ा होगा, मेरे घर का झगड़ा है, आपका क्या ताल्लुक है इससे, मैं आपसे पूछना चाहूँ, इस तरीके की बेइज्जत बातें, बेइज्जती करके क्या बोल रहे, कुत्ता काटा तो कुत्ते को क्या की करना कहते, वो बोले ये बोले क्या है भाई ये बात, हाँ मेरे को बड़ा अफसोस हो रहा, अरे तुमको इतने बात राजा सिंह बोल रहा, तुम एक जवाब नहीं दे रहे भाई, राजू बोल रहा तुम्हारा एक भाई एक बात, मैं कुछ भी नहीं है, मेरे पे आके राजा सिंह का गुस्सा, अरविंद का गुस्सा, मेरे पे AK-56 जा रहे, बोलते जा रहे इतना बोले कि पूछना नहीं क्या क्या की बोल लिए, यहाँ 2 घंटे बात करे, निजामबाद में 10 मिनट में बात करके चले गए, निजामबाद में अरविंद या नहीं है ना भाई, समझ गया, ऐसी हो गया ना भाई, 2 घंटे हमारा पीछा पड़े, आके कुछ ना कुछ बात करना, गैर जरूरी के बात,
जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपका यहाँ का कैडर आपको कोई गलत राय दे रहा तो आपके लोगों से पहले मालूम कर लीजिए, मालूमात कर लीजिए, उसके बाद तोहमत लगाइए। गुनाह है किसी के ऊपर तोहमत लगाना। इस तरीके की बातें, इस तरीके की चीप सियासत, मेरा तो बहुत दिल टूट चुका है, मेरे को इतनी तकलीफ हो रही। मैं आप लोगों ने, मैं कल रात से अभी तक एक पलक भी नहीं मारा, मैं एक मिनट भी नहीं सोया हूँ। क्यों? कि मैं एक MLA हूँ, एक जिम्मेदार इंसान हूँ। यहाँ की 2.5 लाख आवाम मेरे को वोट डाल के जिताई। आप लोग हैदराबाद छोड़ के यहाँ के जीत के बताइए, एक सीट जीत के बताइए, मैं बोलता हूँ आपको, एक सीट जीतिए। अरे हम किस तकलीफ से, कैसे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन भाई भाई को लेके हम लोग यहाँ चल रहे, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे जीत रहे। आपको इज्जत करना चाहिए हमारी, और हमारी इज्जत बटा के जाना है आपको। आप इज्जत नवाज के जाना था आपको, आप मेरी इज्जत निकाल के नीलाम करके जा रहे हैं, वो भी झूठी बात बोल के। ये गलत बात है। मेहरबानी करके ये तमाम चीजों का आपको इल्म रहना चाहिए। इन लोग मेरे पे कुछ भी वार करते, क्योंकि गुंडे इनके पास है, ताकत इनके पास है, सोबे मैं कमजोर हूँ, लेकिन ईमान और अल्लाह की ताकत मेरे पास है। जो होगा इंशाल्लाह, जब जंग है तो जंग है, जो होगा इंशाल्लाह देख लेंगे। मैं भी तैयार हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है सियासत, ये वो। मैं हक पे बात करने वाला इंसान हूँ, हक पे लड़ू। माँ वीडियोस कनक मीक नचनट लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।